कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। सुनिए कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था, पढ़ो बेटियों पढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती। दो बेटियों का पिता हूं, मुझे मर्यादा पता है बेटियों की मर्यादा क्या है, लेकिन समाज के लिए बेहद जरूरी कविता सुन लीजिएगा, थोड़ा रिस्पॉन्स बढ़ाइएगा। ये हमारी बहनें बैठी हैं, सुनना कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे, मम्मी पापा हफ्तों जिससे बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिन। सुनना कविता टर्न ले लेगी किसी भी समय, कि उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए, एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था नहीं लगाता था, उसकी तारीफें सुनकर वो फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। अरे केवल एक मिसकाल में चिड़िया फंस गई जाल में, केवल एक मिसकाल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की दहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग। अरे चिड़िया फंस गई जाल में सिर्फ एक मिसकाल में, चिड़िया फंस गई जाल में सिर्फ एक मिसकाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की दहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग भाग गई, आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग भाग गई, अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं। सुनना एक पंक्ति अगर एक शब्द भी मिस हो गया तो पूरी कविता सुनाना बेकार है, सुन लीजिएगा, और समर्थन दे सको तो एक बार दे के दिखाइएगा, एक बहुत जरूरी सामाजिक विषय पर कविता सुनाई थी मैंने, सुनिएगा। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसे अब ना थी, यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। थोड़ी तालियां कम है पीछे वालों, आपकी भी दुआएं चाहिए थी। आ गया ट्विस्ट कहानी में, थोड़ी सी नादानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यहीं नहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली, वो लड़की फिर अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं अब भी रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं अब भी रील बनाती है, दुनिया वाले। आखिरी कविता पाठ का, इस कविता का आखिरी पन सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा, कि दुनिया वाले सोच रहे हैं अब भी रील बनाती है, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल, और अपन कर ही क्या सकता है, एक पिता क्या कहेगा, अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं।
ओहो, अरे क्या सोचा था, क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते। अरे कितनी कीमत और चुकानी, बात समझ नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाते।